हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ इमली इस बच्ची के लिए सारी हदें पार करती नजर आएगी। दरअसल आने वाले एपिसोड में देखने मिलता है आर्यन और इमली दोनों ही पहुंचते हैं बच्ची का वीडियो बनाने के लिए और मालिनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। मालिनी पहले तो इस बच्ची को रोते हुए छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है और दूसरी तरफ वहाँ पर अनु भी ऐसा ही करती है। इमली और आर्यन उस बच्ची को संभालते नजर आते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि मालिनी उन्हें देख लेती है और फिर उस कैमरा देखकर वो नौटंकी करते नजर आती है कि वो अच्छी माँ है। जिसके बाद आर्यन इमली दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आर्यन घर पर आकर बहुत भड़कता है और कहता है कि हम उसको ये नहीं सिखा सकते वो अच्छी माँ कैसे बन सकती है और इस मामले से दूर में पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काट सकता। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि सुबह सुबह इमली यहाँ पर पहुँचती है अपने घर, यहाँ पर ऑफिस में जहाँ पर आर्यन सबको रिपोर्ट बनाने के लिए था, लेकिन इमली का ध्यान कहीं और ही होता है और इमली उसके सामने गिड़गिड़ाते नजर आती है कि उसने हमेशा ही अपने पेरेंट्स से दूर रही है और हमेशा ही उनका प्यार उसे नहीं मिला है। लेकिन उसकी अम्मा ने उसे संभाल लिया, लेकिन उस गुड़िया के पास कोई भी नहीं है, इसलिए आर्यन उसका साथ देते नजर आता है। पहुंच जाता है मालिनी के घर और उस बच्ची से मिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिनी साफ कह देती है कि वो उससे माफ़ी मांगेगी हर गलती के लिए जो उसने आज तक की है। जिस तरह से उसने ज़िंदगी बर्बाद की है इमली ने उसकी और उसकी मॉम की, वो अब माफ़ी मांगेगी। इमली बच्ची की आवाज़ सुनकर रोने की, बुरी तरह से बच्ची रो रही थी इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है और आर्यन उसे रोक रहा होता है, लेकिन फिर भी इमली उस बच्ची के लिए सारी हदें पार करती है और उसके सामने गिड़गिड़ाती है और बच्ची से मिलती है। लेकिन वहाँ पर देखती है कि वो पेपर्स अनाथ आश्रम के पेपर्स रखे होते हैं और वो उसे पता चल चुका है कि वो मालिनी उसे जल्द ही अनाथ आश्रम भेजने वाली है। जिसके बाद ने यहाँ पर अब इमली ये हद भी पार करते नजर आएगी कि वो इस बच्ची को गोद लेने की कोशिश करेगी और यही वजह होगी आर्यन और इमली की दूरियों की, जहाँ पर आएगा नया तूफान।